हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने अब विद इन 1 मंथ, और कह सकते हैं ये कोरोना पीरियड में, अपने शेयर होल्डर्स को लगभग दुगने से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड किए। ऑलरेडी मैंने एक बहुत पहले इसकी वीडियोस भी बनाई थी, ओके। और थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि वो अभी शेयर बाजार में इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल रखते हैं, तो शायद लोगों को इससे समझ में आ गया हो किस शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ओके। और उसके रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ओके। आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसके भरोसे वो शेयर और भी ज़्यादा जंप लगा सकता है। तो आइए हम उस शेयर के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो एक बार इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ रिटर्न्स का प्रोफाइल दे रखा है कि 1 डे में -1.26% की गिरावट हुई, जो कि आज मार्केट में उसमें गिरावट देखी गई है। 1 वीक वाला प्रॉफिट में है, 1 मंथ वाला प्रॉफिट में, 3 मंथ्स में प्रॉफिट में, 1 ईयर में 82.41% के रिटर्न है। बट मैं आपको 3 मंथ्स के भी रिटर्न चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा, तो लगभग 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न इसने प्रोवाइड किए हैं। और 5 ईयर्स में, 4 ईयर्स में 300% प्लस के रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रिटर्न के मामले में कंपनी अच्छी है काफ़ी, और इस कंपनी ने बोनस भी दिया है और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि शेयर यहाँ पर जब मार्च 2020 में 50.07% के प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग थी, जो कि उन्होंने इंक्रीज करके 50.37, मतलब 0.30% की प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो कोई भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी कब बढ़ाती है? जब उसे लगता है कि हमारी कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही प्रमोटर्स ने किया है, प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के उनकी कंपनी क्या बनने वाली है, ओके। तो FIS मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने भी 24.08 से 24.75 अपनी इंक्रीज करी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 0.02% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने जरूर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है मार्च से इस क्वार्टर में, 0.09% की। और DIS ने, अदर DIS डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने -0.12% की, और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने भी -0.77% की अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम की हुई है। तो आइए हम उस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जैसे कि आपको पता ही है कि इस शेयर, ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा, 14 लाख करोड़ रुपीस के इसके पास इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है। तो आप समझ सकते हो 14 लाख, और इसका जो फोरकास्ट किया हुआ है, जो इसके सोचा रखा है कि ये आने वाले कुछ टाइम में लगभग लगभग 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैपिटल हो सकता है। तो आज के दिन इसमें -2.24.85 पॉइंट्स की गिरावट, मतलब 1.16% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। बट इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, ओके, तो 2021 रुपीस का 4 अगस्त को ही यहाँ पर ये शेयर मिल रहा था। 1 मंथ की बात कर लेते हैं, तो 1844 रुपीज़ का यहाँ पर शेयर मिल रहा था 1 मंथ पहले। बट आपको मैं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, 23 मार्च को जब ये पेंडामिक हुआ था, जब शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, तो 875 रुपीज़ का मिल रहा था, और आज जो ये शेयर है 2121 रुपये का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको 100 से 150 के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि एक बार देख लेते हैं हम फिर भी, तो देख रहे हैं आप कि 1270, मतलब 145.11% के रिटर्न यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इतने रिटर्न्स यहाँ पर कंपनी ने विद इन 3 मंथ्स अपने शेयर होल्डर्स को दिए, 3 से 4 मंथ्स में। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो काफ़ी गजब का यहाँ पर शो आपको दिखाई दे रहा है चार्ट पैटर्न भी। और काफ़ी अच्छी कंपनी भी है क्योंकि ये जिसमें डील कर रही है पेट्रोल का बिजनेस भी, इसका क्वार्टर के जब इसने रिजल्ट पेश कर रहे थे, तो पेट्रोल ने का बिजनेस घाटे में था, ओके। बट जियो और इसका जो रिटेल बिजनेस
है, और जो रिटेल बिजनेस जो आगे आने वाला है इसका, जो अब एक बूम की तरह आएगा, ओके, और ये शेयर को में 4 चांद लगा देगा, ओके। हम इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बात भी कर रखी है, बट आज हम जिस चीज़ के बारे में इसकी बात करने वाले, एक न्यूज़ से रिलेटेड, तो न्यूज़ आपके सामने है। अरामको इज स्टिल वर्किंग ऑन डील टू इन्वेस्ट $15 बिलियन इन RIL, रिलायंस। तो रिलायंस में अरामको एक सऊदी अरब की कंपनी है, ओके, जो कि ऑयल को फैच करती है, ओके। तो ये डील रिलायंस ने अपने लास्ट ईयर में अपनी एनुअल मीटिंग में उन्होंने कहा भी था कि हम अरामको के साथ डील करने वाले हैं, और $15 बिलियन की ये डील रहेगी, ओके, जिसकी वजह से शेयर काफ़ी भागा भी था, ओके। बट अभी उन्होंने कहा था कि जस्ट ड्यू टू कोविड कोविड की वजह से ये डील पोस्टपोन हो चल रही है, ओके, कभी भी बन सकती है। तो ये जैसे ही अंबानी जी ने यहाँ पर बोला था तो शेयर नीचे आ गया था उनका, बट अब अरामको, मतलब अरामको जो खुद कंपनी है, उन्होंने उनके सीईओ, जो आपको यहाँ पर शायद इनकी पिक्चर दिखाई दे रही है, अरामको के सीईओ ने खुद बोला है कि दे आर स्टिल वर्किंग ऑन डील टू इन्वेस्ट $15 बिलियन इन रिलायंस। तो डिस्कशन आर स्टिल ऑन द बाई अ स्टेक इन ऑयल टू केमिकल बिजनेस इज अरामको सीईओ। तो जैसे कि आप जानते हैं, रिलायंस के 3 पार्ट है, एक पेट्रोल केमिकल है, ओके, पेट्रोल एंड केमिकल्स जो बिजनेस है, जो उनका सबसे पुराना बिजनेस है, एक जियो है, एक रिटेल है। तो जियो रिटेल को छोड़ के जो उनका पेट्रोल ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस है, उसमें वो $15 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, उनके रिलायंस में। तो रिलायंस हैड अनाउंस प्लान्स टू सेल अस 20% स्टेक इन इट्स ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस टू अरामको। तो अरामको में वो अपनी रिलायंस के 20% ऑयल और केमिकल के जो स्टेक्स है, जो उनके शेयर है, वो उसे बेच देंगे, जो उन्हें सेल कर देंगे, ओके। और यहाँ पर आप न्यूज़ को देख सकते हैं, सऊदी अरब ऑयल्स ऑयल सीओ सऊदी अरामको द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, सैड इट इज स्टिल वर्किंग ऑन अ डील टू बाय अ $15 बिलियन स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री में, ओके, वो अभी भी इसमें लगे हुए हैं कि $15 बिलियन की डील, मतलब इन्वेस्टमेंट, वो रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में। इसे मेंशन कर लेना, ऑयल टू केमिकल्स, नॉट इन जियो, नॉट इन देयर इट्स रिटेल बिजनेस। ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस में रिलायंस के में स्टेक को 20% खरीदेंगे। वी आर स्टिल इन डिस्कशन विद रिलायंस अरामको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिन नासर सैड ऑन अ कॉल विद रिपोर्टर ऑन संडे, द वर्क इज इन स्टिल ऑन, वी विल अपडेट आर शेयर होल्डर्स इन ड्यू कोर्स अबाउट द रिलायंस डील। तो उन्होंने कह दिया है ये जल्द ही अपडेट कर देंगे जैसे ये डील क्रैक होगी। तो अरामको रिपोर्टेड है 50% ड्रॉप इन नेट इनकम फॉर द 6 मंथ एंडेड 30 जून, जो इनका ये अलग न्यूज़ है। तो हम इसको ना देख के हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर है, जो $15 बिलियन के स्टेक रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में वो खरीदने वाले हैं रिलायंस के। तो आज का शेयर मार्केट जैसे कि हमने देखा है कि ये गिरा हुआ है, ओके, बट ये न्यूज़ काफ़ी अच्छा असर कर सकती है आने वाले टाइम में। और इसके अलावा आपको पता ही है, रिलायंस में अमेजोन की डील प्लस में फ्यूचर ग्रुप की डील, ये भी अभी पेंडिंग चल रही है। जिस दिन भी ये डील्स हो गई तो ये शेयर बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, बहुत अच्छा जंप है, और इसका फ्यूचर भी अलग है क्योंकि ये डिजिटल से भी अब में भी अब बिलोंग करता है। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट हमेशा अब हमेशा दूर दृष्टि, जो फोरकास्ट करते कहते हैं जिसे कि हमेशा दूर की दृष्टि जिनके कहते हैं, वो रखता है, तो उसमें आजकल ये डील कर रहा है, तो डेफिनेटली ये शेयर फ्यूचर में बहुत अच्छा बनने वाला है आपको। और इसके रिटर्न्स पिछले 3 से 4 महीने में आपको दिखाई है किस तरीके से, 800 कुछ रुपये का शेयर आज 2100-2200 रुपये तक, 2100-2100 रुपये, और इस तरीके इतना अच्छा रिटर्न इसने पेश किया है, 145% के रिटर्न अभी तक, मार्च से लेके अभी तक। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी रिलायंस इंडस्ट्री और जो न्यूज़ थी मैंने कवर कर दी है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारी दूसरी वीडियोज़ भी है उसे आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।